हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार गुप्ता। आज इस क्लास के माध्यम से हम CBSE क्लास 11th मैथ पढ़ेंगे और मैथ का सबसे पहला चैप्टर सेट पढ़ेंगे। सेट होता क्या है वो जानेंगे और फुल कंसेप्ट लेंगे, एकदम मस्ती के साथ पढ़ेंगे। और साथ में NCERT बुक कवर होगा, RS अग्रवाल और RD शर्मा, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो पहले सेट जानते हैं, सेट होता क्या है। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो कलेक्शन करना होता है। जैसे मैं बोल दूँ कि वेल डिफाइंड यानी सही जानकारी हो उसके बारे में। जैसे आप समझ रहे हो कि 2 का फैक्टर जो 10 से नीचे है, 2 का फैक्टर 10 से जो नीचे है तो क्या होगा। देखो 2 का फैक्टर का मतलब क्या है, 2 को कटाने वाला, 2 को डिवाइड करने वाला तो कौन होगा, 1 और 2। 10 से नीचे है कि नहीं, पूरी वैल्यू 10 से नीचे है ना, तो ये क्या है आपका सेट है। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट जानकारी हो, आप बता सको। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं तो आप बता सकते हो, सब एग्जैक्ट आंसर दोगे। अगर भले ही नहीं मालूम है जिसे को तो गलत बताएगा। ठीक है, अगर यही मैं बोल दूँ कि आपके घर में सबसे बढ़िया खाना कौन बनाता है, ठीक है, जैसे मान लो घर में आपके 20 लोग हैं, सबसे बढ़िया खाना कौन बनाता है, तो बहुत से लोगों का बहुत आंसर हो, कोई बोलेगा रीना, कोई बोलेगा मीना, ठीक है, तो अलग अलग आंसर होगा बहुत से लोगों का। तो वहाँ पर सेट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर विचारों में कंट्रास्ट आ गया, मतलब कोई ये चारों तरफ कितने प्लेनेट मूव कर रहे हैं तो आप बता दोगे, हम लोग के सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, तो आप समझ जाओगे 8 प्लेनेट है, तो ये भी सेट होगा क्योंकि वेल डिफाइंड है कलेक्शन इसमें ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब देखो सेट को जानने से पहले कुछ नंबर जान लेते हैं। एक होता है नेचुरल नंबर, वो क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको हम 1 से लिखते जाते हैं और आगे तक जाता रहता है। दूसरा होता है होल नंबर जिसमें आप 0 लगा दो, 1, 2, 3, ये सब चीज़ें हैं होल नंबर में। ठीक है, W मतलब होल नंबर, N मतलब नेचुरल नंबर, ये 10 में पढ़े होगे। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर भी पढ़ोगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं बोल दूँ 5 का जो टेबल हम पढ़ते हैं उसमें ऐसे कितने नंबर हैं जिसके यूनिट डिजिट 0 है। 5 का टेबल आप 10 तक पढ़िएगा, उसमें ऐसे कितने नंबर हैं जिसका यूनिट डिजिट 0 है। यूनिट मतलब ये वाला, तो 5 × 10 = 20, 30, 40, 50, बस 10 तक पढ़ना था। तो भाई मालूम चल गया ना, 5 लोग हैं, सबका आंसर फिक्स आएगा, तो ये सेट बना सकता है। तो ठीक है, तो सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी आपसे कोई बोल दे कि आप मुझे 10 के नीचे कितने प्राइम नंबर हैं वो बता दो, तो आप बता दोगे आंसर सही आपका 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर हैं जो 10 के नीचे हैं, तो आपका आंसर ये सही रहेगा। 100 तक कितने नेचुरल नंबर है तो आप बता दोगे आंसर, 1 से 100 तक, 1 को भी लेना है 100 तक लेना है, तो 1, 2, 3 ये सब लोग हैं, बता दोगे 100 लोग हैं, फिक्स है ना, क्राइटेरिया फिक्स हो गया, इतना आंसर है। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें समझ गए। अभी मैं बोल दूँ कि रिवर्स ऑफ इंडिया का सेट बन सकता है, तो हाँ ये बन सकता है क्योंकि भाई इंडिया में जितने रिवर उसका नाम हम बता सकते हैं। लेकिन मैं बोल दूँ क्या रिवर्स ऑफ इंडिया में कोई नील रिवर आ जाएगा, नील रिवर यहाँ की रिवर नहीं है, दूसरे कंट्री की है, तो क्या ये उस सेट में आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ होता है बिलोंग्स, बिलोंग्स या एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब उस सेट के अंदर पाए जाने वाले जो उस सेट के अंदर हैं। सेट के अंदर का मतलब जैसे देखो यहाँ पर आपने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लोग हैं। ठीक है, देखो जब हम सेट को लिखते हैं तो ऐसे एक ब्रैकेट में लिखते हैं, सेमी ब्रैकेट में। ठीक है, सेट के एलिमेंट को, ये एलिमेंट है या उसके मेंबर है, तो क्या यहाँ पर 5 दिख रहा है आपको इसमें, तो 5 नॉट बिलोंग्स टू, ये मान लो सेट ए है। सेट ए को लिखने का तरीका ये है, मान लो सेट ए हो गया ये, चाहे एस भी लिख सकते हो, और ये सेमी ब्रैकेट उसके अंदर एलिमेंट। ठीक है, तो क्या 5 इसमें है, नहीं है, द 5 नॉट बिलोंग टू सेट एस आर ए। तो एक चीज़ है कि बिलोंग्स समझना जरूरी है, बिलोंग्स का सिंबल ये होता है, जैसे 2 बिलोंग्स एस, यानी 2 की वैल्यू उसमें है, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स यानी उसमें पाए जाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने समझा, पहला चीज़ था सेट क्या होता है वो समझ गया। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है, जैसे मैं पूछ रहा हूँ आप बताइएगा, अगर यहाँ पर लिख जाता है x² + 5x + 6x = 0,
तो आप बताओ जो इसके एक्स की जो वैल्यू होगी क्या वो सिट बनाएगी। सोचो, ये एक क्वेश्चन दे दिया, अब बोल दिया कि बताइए भैया इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सेट बनाएगा, तब बता सकते हो एक्स स्क्वायर 3x होगा, 2x होगा प्लस 6, एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, और यहाँ पे क्या होगा वो प्लस 2। कन्फर्म है आंसर में आ गया, ये आपका सेट बनाएगा। जहाँ पर डिफाइंड हो, डिफाइंड मतलब कन्फर्म जानकारी हो कि ये होगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो ये सबसे एन का मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, वन से लेके जो भी जहाँ तक जाएगा। जेड का मतलब इंटीजर, माइनस टू जो भी है प्लस टू, ठीक है, इंटीजर पूरा हो सकता है, आप आगे बढ़ाते रहिएगा। क्यू मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर समझ रहे हो, 2/3, 4, 6/8, माइनस वाला भी पोर्शन हो सकता है, ठीक है, आपकी इच्छा माइनस भी लगा दो, ठीक है। आर, आर मतलब रियल नंबर, सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर, जैसे माइनस वन, रूट थ्री, रूट टू, बहुत से चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब रियल नंबर, रियल नंबर बहुत, सब रियल नंबर, जितने भी तक नंबर पढ़ोगे सब रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। जेड पॉजिटिव यानी इंटीजर पॉजिटिव वाला, तो 1, 2 सब पॉजिटिव रहेगा, +3, +4, ठीक है। क्यू पॉजिटिव, क्यू मतलब कि जो आपका ये है रेशनल नंबर, क्यू को बोला गया है रेशनल नंबर, ठीक है, थोड़ा सिंपल समझ जाइएगा। ये रेशनल नंबर आपके बुक में भी होगा, एक बार राउंड एक बार बस रिवाइज कर लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। क्यू प्लस का मतलब पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव वाले, ठीक है, रेशनल नंबर पॉजिटिव वाले, ठीक है, पॉजिटिव वाला। यानी देखो वन भी रेशनल नंबर है, कोई बोलेगा वन रेशनल नंबर है भाई, क्योंकि आप वन को क्या लिख सकते हो, 1/1 लिख ही तो सकते हो। ये रेशनल नंबर कहता है क्या है, ऐसा नंबर जिसमें एक ऊपर ए हो और नीचे बी हो, ए हो और बी हो, और ये दोनों क्या हो, इंटीजर हो, इंटीजर हो, लेकिन बी क्या हो, जीरो ना हो, इतना कंडीशन होगा तो रेशनल नंबर है। तो टू भी रेशनल नंबर है, माइन सब, तो ये पॉजिटिव हो गया। देखो इसके ऊपर 5 2 लगाता है, 5 2 लेंगे। रियल पॉजिटिव का मतलब 2/3 पॉजिटिव में, -1, -6, 6, ठीक है, ये सब पॉजिटिव वाले हैं, -6 नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव वाला है ना, प्लस पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे आर माइनस बोल देगा तो निगेटिव वाला, रियल नंबर हो निगेटिव वाला, ठीक है। तो इतनी बातें कन्फर्म हो गई, अब चलो देखते हैं। अब देखो एक होता है दो फॉर्म, सेट को दो फॉर्म में लिखते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है डिस्क सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, यानी सेट को किस फॉर्म में लिख रहे हो, रोस्टर फॉर्म। इसने बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबल की तरह, जैसे कि 1 2 3 ऐसे लाइन वाइज, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो मतलब कि आप नंबर वाइज लिखते हो, जैसे मैं बोल दूँ कि अल्फ़ाबेट में, अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल्स हैं, तो आप लिख दो आंसर, वॉवेल्स का सेट बना दोगे, भी नाम से दोगे, AEIOU, ठीक है, ये वॉवेल्स का सेट हो गया। तो ये सेट है, अब मैं बोलूँगा ए क्या वॉवेल्स में है, तो भाई ए है, ए बिलोंग्स टू द वॉवेल्स, ये बिलोंग्स का सिंबल है। क्या जेड ए बी में है, देखो जेड, जेड नॉट बिलोंग्स टू द बी, बी सेट में नहीं है। देखो ये मेंबर्स हैं या एलिमेंट बोलेंगे, तो सेट के एलिमेंट का मतलब सेट के अंदर हो। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये वाला मतलब कि देखो जेड और यू इस सेट में है कोई, तो जेड वाला तो नहीं है क्योंकि ये कौन सा, तो यू को क्या बोलेंगे, यू बिलोंग्स टू बी। अब देखो दो एलिमेंट के बीच में कामा लगाते हैं और इनको बंद किस में करते हैं, सेमी ब्रैकेट, ठीक है। अब एक चीज़ है तो ये समझ गए, अब बोल दिया जाए 10 के फैक्टर बताइए जो 5 से नीचे हैं, 5 से इधर है नीचे यानी उसके अंदर है, तो 10 के फैक्टर क्या होगा, 1 2, अब सीधे 5 होगा, 10 होगा, ठीक है, यही होगा। तो 10 5 से नीचे बोला है ना, तो 5 से नीचे मतलब यही दो लोग हैं, तो सेट क्या बनेगा, दो लोगों का सेट क्या बनेगा, दो लोगों का, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस सेट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे फैक्टर का सेट है और एलिमेंट के बीच में ये, ठीक है, यहाँ तक बातें ख़त्म। सेट बिल्डर फॉर्म अब समझ लेते हैं, रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर
सेट बिल्डर मतलब कि हम उसको कॉमन जनरल तरीके से लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखो नंबर लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, तो इसको एक सिंगल भाषा में क्या बोल सकते हो? ये इवेन नंबर का सेट है, सब इवेन नंबर के एलिमेंट है, सिंगल भाषा में क्या बोलोगे? ये ऐसे चल रहा है तो इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर मतलब देखो 2, 4, तो क्या बोलोगे? एक्स, ये सबको मान लेंगे एक्स है, एक्स मतलब कोई एक नंबर है, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द इवेन नंबर। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है बाबू? इवेन नंबर, सभी इवेन नंबर है। या ये बोल सकते हो मल्टीपल ऑफ टू, बहुत बढ़िया भाषा रहेगा मल्टीपल ऑफ टू, क्या है बाबू? मल्टीपल ऑफ टू यानी दो के मल्टीपल है, और किससे लेस है? एक्स एंड एक्स लेस देन 12, 11, एक्स की वैल्यू किससे लेस है? 11 से, तो बस हो गया। ये एक तरीका है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी बातों को छोटे शब्दों में लिख दे रहे हैं, यही क्या है सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? कॉमन एक्सप्रेशन, सिंपल सी भाषा में, जैसे मान लो कोई लिख दिया 5, 10, ऐसे देखो 5, 7, 9, 5, 7, 11, 13, बोल दे कि इसको एक जनरल भाषा में लिखिए, तो क्या कहोगे? एक्स बोलोगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द, क्या है सभी प्राइम नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू द प्राइम नंबर, यानी ये सभी प्राइम नंबर है, एंड एंड मतलब और, ये क्या है सोचो, ये प्राइम नंबर है लेकिन किसके किसके बीच में है, तो एक्स किसके बीच में है बोलोगे? 4 से बड़ा है, ठीक है, और किससे नीचे है? नीचे किससे है? तो देखो 14 से नीचे है कि नहीं। बात को प्रिसाइज बोलना है अच्छे तरीके से। एक्स, एक्स मतलब ये कोई नंबर हो सकता है, एक्स मतलब वेरिएबल कोई भी, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द प्राइम नंबर, एक्स क्या है? प्राइम नंबर है, एंड किसके बीच में है? 4 से लेकर 14 के बीच में है, ठीक है। तो ये तरीका हो गया लिखने का, तो इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसके पहले पढ़ा था रोएस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते थे, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके स्क्रीन पर होगा, ठीक है, देखिएगा। तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप भी सुनिए, पढ़िए उसको, रीड लगाइए एक बार, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन इसमें से सेट्स है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर बताइए। तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, जैसे साल के यानी ईयर के जितने मंथ हैं जो जे से चालू हो रहे हैं। तो देखो पहला है जनवरी, आंसर में लिखना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जे से चालू है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब कोई नहीं है, तो यही सेट है बस, ठीक है। तो ये वाला सेट है क्योंकि आपका जे इसमें आ रहा है, देखो जे जयकाल वाला जे, तो ये सेट है, ठीक है। दूसरा है, मैं 2-3 पढ़ूंगा और बाकी सब आप करिएगा। इसमें का दूसरा देख लीजिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या लग रहा है कि ये सेट होगा 10 मोस्ट टैलेंटेड? तो बोला है 10 मोस्ट टैलेंटेड, तो 10 मोस्ट मतलब अभी आप हो तो आपको ये 10 लोग बढ़िया लग रहे हैं, वही हरी है तो उसको 10 लोग और दूसरे कोई बढ़िया लग रहा है, तुम्हारे ही घर में कोई दूसरे से पूछोगे 10 लोग दूसरा नाम बता देंगे, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं है, सबका व्यू अलग अलग है, तो ये कलेक्शन ऑफ सेट नहीं है। अब सीधे मैं 9th वाला पढ़ रहा हूँ, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, क्या लग रहा है? बहुत से खतरनाक जानवरों का कलेक्शन, क्या ये सेट है? तो सोचिएगा, तो आपका व्यू और दूसरे क्यू का व्यू इस कंडीशन में अलग अलग हो जाएगा, बोलेगा ये लोग खतरनाक है नौ जानवर, ये बोल देगा कि इतने लोग खतरनाक हैं, तो अलग अलग होगा, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपने समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एक और इसमें थोड़ा देख लीजिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितने इवन इंटीजर हैं, इवन इंटीजर मतलब जैसे कि आप लिख रहे हो 2, -2, -4, +6, प्लस वाला भी पार्ट माइनस वाला भी पार्ट, लेकिन इवन हो 2 से कटने वाला, इसी को बोलते हैं इवन इंटीजर। क्या ये कलेक्शन सेट होगा? सोचिएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ठीक है, सोचिए।
तो हाँ, ये लग रहा है एकदम सेट का कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हो कि भाई दो दो का गैप है, ऐसे आप लिख सकते हो -4 -2, इधर बढ़ता जाएगा भी, 0 0 नहीं होगा, 2 4 6, तो है, वेल डिफाइंड है, जानकारी है कि है। ठीक है, इतनी बातें हमने समझ गए। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, तो सेट के बारे में और बाकी सब घर पर लगाइएगा, आप सोचिएगा वेल डिफाइंड कौन है, वेल डिफाइंड कौन नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, पढ़िए एक बार। a = 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बोलिए कि इसमें सिंबल बनाइए, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखो लिखा है 5 इसके बाद, तो क्या 5 इस सेट में है? तो है भाई, तो बिलोंग्स एक थे में, बस लास्ट वाला बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा 6 वाला, और बाकी सब आप करिएगा। 10 नॉट बिलोंग से, बोला है कि 10 बिलोंग करेगा, नहीं 10 कहाँ है इसमें, नहीं है। तो इसमें मीनिंग क्या समझना था, कि बिलोंग्स है कि नहीं, नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो दो चीज़ें बस याद रखिएगा, आपका काम खत्म। तो ये भी क्वेश्चन समाप्त, बाकी सब चीज़ें आप करिएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला भी आपके स्क्रीन पर आया होगा, देखिए थर्ड वाला क्वेश्चंस। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए उसको। ये बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोएस्टर फॉर्म, जो सेट है उसको रोएस्टर फॉर्म में लिखिए। तो बोल रहा है कि a = x such that x is an integer, थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, इंटीजर एंड -3। ठीक है, बस यही बोला है, ऐसे लिख दिया है, बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म है क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन है। एक्स एक्स मतलब कोई नंबर, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब 1 2 -1 -2, 1/2 नहीं होगा, और ये किसके बीच में, पहले देखिए किसके बीच में है, तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 बड़ा होगा ना, नंबर लाइन देखना, ऐसे देखते हो नंबर लाइन ना, -3 के इधर जाओगे तो सब वैल्यू बड़ी हो जाएगी, वैल्यू बड़ा होगा, लिख लो बड़ा होगा इधर जाओगे तो। ठीक है, सिंपल भाषा में -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, बस हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया कि नहीं, सेट को रोस्टर फॉर्म में हम लिख दिया। तो ये वाला जनरल टर्म था, जनरल मतलब सामान्य भाषा में बोला, एक लैंग्वेज लगाया था अल्फा, जिस लैंग्वेज में किसी लिख दिया है आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह मैं एक और कर रहा हूँ, जो कि आपका लास्ट वाला है, 6 वाला, और बाकी आप करिएगा। ठीक है, घर पर ट्राई करिएगा। जैसे एक लिखा है बेटर, बेटर एक वर्ड है, इसमें बोला है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द बेटर, जो सेट ऑफ ऑल लेटर्स है इन द बेटर, बेटर में जो सेट ऑफ ऑल लेटर्स है, तो देखो क्या होगा, BETR, यही ना वर्ड है, बस हो गया रोस्टर फॉर्म में खत्म। ठीक है, अब सोचोगे टी दो बार आया तो दो बार लिख देना, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर हमें ये जानना था कि जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो एक ही टाइप का, तो एक ही बार लिखना है, दो है तो एक ही बार। ठीक है, दो रहेगा तो एक बार। ठीक है, तो यहाँ तक थर्ड तक हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर होगा। ठीक है, देखिए वो क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सोचो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सोचो बच्चों सोचो। देखो तो ये हो गया 3 6 9 12, पहला क्वेश्चन है उसका फर्स्ट। तो भाई सेट बिल्डर फॉर्म अभी पढ़ा था, जनरल तरीका, तो ये क्या दिख रहा है, 3 1 जाते, 3 का टेबल है या 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल बढ़िया बड़े हैं, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझ रहे हो सॉल्यूशन ही हो रहा है, एंड और किससे नीचे है बाबू, एक्स इज लेस देन 13 से क्या है बाबू, नीचे है, 13 से नीचे है। ठीक है, या और एक और तरीका है, क्या बोल सकते हो, सोचो
और क्या हो सकता है तरीका इसका लिखने का, ये हो सकता है, देखो एक तरीका ये हो गया, ये भी चल जाएगा आंसर, x सच दैट x इक्वल टू 3n, वेयर n इक्वल टू 1 to 4, जहाँ पर n क्या है 1 से लेकर 4 तक, एंड बस वेरान 1 to 4 बस, ठीक है इतना पर काफ़ी है। ठीक है तो आप समझ गए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और उसका सॉल्यूशन भी समझ गए। ठीक है n को एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहो तो n को ऐसे भी लिख सकते हो, n इक्वल टू 1 बस। ठीक है बहुत से तरीके हैं, x से जब मल्टीपल ऑफ 3, वेरान 1 to 4 या 1 इक्वल टू 1। ठीक है तो अब ना क्या है कि ये जो वैल्यू है इसको जनरल टर्म में लिखो। जनरल होता क्या है भाई, सामान्य बात, सामान्य सी भाषा जो सिंपल वर्ड में हो, जहाँ पर नंबर ना लिखा गया तो क्या बोलोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, क्या लग रहा है आपको, सोचिए थोड़ा सोच के बताओ कैसा स्क्वायर है। ये देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता जा रहा है। यानी हम क्या बोलेंगे, एन स्क्वायर बोलेंगे, एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, वेयर एन किसके किसके बीच में है, 1 से लेकर 10 के बीच में, बस ख़त्म कहानी। कुछ बच्चे और भी आंसर देंगे, ठीक है वो आंसर क्या बोलेंगे सर जी, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है वो 1 के बराबर है और 10 के बराबर, ये भी सही है। ठीक है रास्ते बहुत से हैं बस आप लिखने का था, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट है। देखो एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, एन को बता दिया, ये भी सही है, एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, एंड आगे बोलना पड़ेगा, एंड नेचुरल नंबर किसके बीच में है, 1 से लेकर 10 के बीच में, क्योंकि कंडीशन फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप 10 के बस नेचुरल नंबर लिख दोगे ना तो बहुत हो जाएगा ना, 11 भी हो जाएगा, तो आप डाउट में पड़ जाओगे। ठीक है तो ये रहा आपका 4 क्वेश्चन, सेट बिल्डर फॉर्म समझ लिया, अब आता है 5th क्वेश्चन। ठीक है तो 5th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, देखिए NCERT अभी चल रहा है फिलहाल में। ठीक है 5th क्वेश्चंस, जो ये एलिमेंट हैं उनको लिस्ट करिए सेट के रूप में। तो देखो ए इक्वल टू क्या दिया है प्यारे बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है इतनी बात है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो भाई ऑड नेचुरल नंबर है, अब उसमें कंडीशन क्या है वो सोचो थोड़ा, ऑड नेचुरल नंबर क्या है पहले ये जानो, ऑड नंबर होगा और सब पॉजिटिव वाले होंगे। ठीक है तो क्या लिख सकते हो, देखो 1 से चालू 3, ठीक है 5 7 ऐसे चलता जाएगा, ऑड है नेचुरल नंबर है बढ़ता रहेगा तो सेट है भाई। ठीक है अभी यहाँ पर बोल देता है कि रियल नंबर है, तो क्या लग रहा है तुम्हें रियल नंबर बता सकते थे ना, बहुत से आंसर हो जाएंगे, बहुत से आंसर हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक समझ गया, इसी में एक 5वां है देख लो, बोला पढ़ लो तुम यहीं पर, ई इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, एक्स जो है वो मंथ है साल का यानी ईयर का, 5th का 5वां है ये देखिएगा, मंथ ऑफ ईयर है नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 दिन नहीं है, तो बता सकते हो किसमें नहीं होता 31 दिन, फरवरी मार्च में होता है नहीं होता है, अप्रैल जनवरी फरवरी, अब सोचो थोड़ा इसमें ये भी यही है कि आपको वो आना चाहिए मार्च में होता है 31 दिन। ठीक है ये वाला तरीका याद रखना, ये जनवरी वाला ऊंचा है तो 31 फरवरी, मार्च अप्रैल नीचे है तो 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, ये लॉजिक लगाना, फिर अगस्त ऐसे आओगे ऊंचा वाला को 31,
फरवरी तो सब लोग जानते हो 28-29 दिन का होता है। तो देखो फरवरी होगा, अप्रैल होगा, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है, ये सब 31 दिन के होते हैं। आप जैसे मैंने लॉजिक बताया वो सोच लेना, बचपन में पढ़े भी होंगे। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन खत्म, अब आते हैं सिक्स पे, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज वन का। देखिए फॉर्म है, पहला वाला क्वेश्चन है 1 2 3 पहला पार्ट करो, ठीक है। इधर वाला लेफ्ट, इसको बोलते हैं लेफ्ट, ये भी याद होगा आपको, इधर वाले को बोलते हैं राइट। ये वाला रोस्टर फॉर्म में है तो आपको छाटना है, मैंने मैच करना है। तो देखिए ये कैसा लग रहा है आपको नंबर, सोचो थोड़ा, 1 2 3 6। तो पहला हम पढ़ते हैं, इसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। प्राइम नंबर तो नहीं है क्योंकि 1 आ गया ना, प्राइम नंबर नहीं है, 6 आ गया नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी गलत है। 10 से नीचे 9 भी तो आएगा नेचुरल नंबर, गलत है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, सही है, क्योंकि 6 का डिविजर क्या होता है, 1 इसको डिवाइड कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, प्यारो बच्चों 6 कर देगा। तो है ये क्या होगा इसका मैचिंग बाबू, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए डिविजर ऑफ 6, एक्स इज ए डिविजर ऑफ 6, एक्स 6 को डिवाइड करेगा, और बस और क्या, अब तो वो डिवाइड करेगा तो डिविजर ही है, इसमें और लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस हो गया। एक चीज़ है ये भी दिलाना, एक्स इज ए डिविजर ऑफ 6, एक्स इज ए डिविजर ऑफ, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नंबर यानी नेचुरल नंबर होगा ना, क्योंकि 1 2 3 सब नेचुरल नंबर है, क्यों उसमें नेचुरल नंबर लेगा, सोचे होगे। एक्स सच्चेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजर ऑफ 6, 6 को क्या सिर्फ नेचुरल नंबर डिवाइड करता है, 1/2 भी तो कर देगा, देखो 12 आ गया, तो बात गलत हो गई ना। 6 को देखो भाई 1/3 भी कर देगा, 1/3 कर देगा ना, 18 आ जाएगा, हाँ, तो इसीलिए बोला है नेचुरल नंबर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बड़ा प्रिसाइज आंसर देना पड़ता है, प्रिसाइज का मतलब कि उसमें आपका बोल रहे हैं तो बात सही बोलो, उस बिंदु को देखते हुए, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना 1 2 3 6, तो ये तो लग रहा था कि 6 को कटाने वाले नंबर है, फैक्टर है, ये भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए फैक्टर ऑफ 6 बट नेचुरल नंबर, फैक्टर बोलोगे तो हो जाएगा, फैक्टर में ही हो गया रहता बात, नेचुरल नंबर नहीं बोलना पड़ता, ठीक है, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।